अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, फ्रेश होंगे। जी मैं आज आपके साथ यखनी पुलाव की वेजिटेबल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यखनी के साथ वेजिटेबल पुलाव है, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है, बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही अमेजिंग बनती है, बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही टेस्टफुल है। आप लोगों ने करना क्या है, आपने 250 ग्राम चिकन लेके उसकी यखनी बना लेनी है, और उसको चिकन को निकाल के उसको छोटे छोटे क्यूब्स में कर लेना है। यखनी बनाने का तरीका यह है कि आपने जितने चावल बनाने हैं उससे 1 ग्लास ज्यादा पानी उसमें ऐड करना है, ताकि वो 1 गिलास पानी ज्यादा है ना वो खुशक हो जाए। जी उसके लिए हमें चाहिए 1 कप के करीब ऑयल। इसमें हमने ये देखें 2 बड़ी प्याज चॉप की हुई ऐड करनी है ना। प्याज लाइट ब्राउन हो रहा है, मैं आपको यखनी का थोड़ा सा बता दूं यखनी कैसे बनाते हैं। टाइम थोड़ा था इसलिए मैंने यखनी नहीं बनाई आप लोगों के सामने। यखनी को आपने 2 गिलास चावल बनाने हैं, 1/2 kg चावल बनाने हैं, तो उसका मतलब है आपने 1/2 kg से 1 गिलास ज्यादा पानी उसमें ऐड करना है, ताकि वो एक पानी जो है ना 1 गिलास पानी खुशक हो जाए। आपने चिकन उसमें ऐड करना है, आपने उसमें बड़ी इलायची ऐड करनी है, दालचीनी का टुकड़ा ऐड करना है, 1 बड़ा प्याज ऐड करना है, और आपने लहसुन ऐड करना है छीलने के बगैर, 7-8 जवे। काली मिर्च ऐड करनी है साबत, और 3-4 लौंग साबत ऐड करनी है। इनको आपने ऐड करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बॉईल कर लेना है। खुशक होने पे पानी को आपने, हाँ जी, 1 गिलास पानी खुशक होने पर आपने उसको यखनी को छान लेना है, उसमें से चिकन निकाल के उसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। आज हम यखनी वेजिटेबल पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनता है। आप लोगों ने शायद, हाँ जी, ये देखिए पानी, हाँ जी, प्याज है ना लाइट ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम 1 बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ ऐड करेंगे, 3 से 4 हरी मिर्च और अदरक कुटा हुआ है वो ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून के करीब इसका पेस्ट है। स्पून पानी ऐड करके इसको 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। जी अब हम इसमें मिक्स वेजिटेबल ऐड करेंगे। मैंने आलू, टमाटर, आलू, गाजरें और मटर, ये देखें जी, निकाल के सारे इनको अच्छे से काट लिया गाजरों को और आलू को। अब हम मिक्स वेजिटेबल इसमें ऐड करेंगे, ये देखें जी, 1-2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे। देखें चॉप हुई 1 कटोरी के करीब चिकन है, हम वो ऐड करेंगे। में 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे, ये देखें जी, 1 चिकन क्यूब ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के इसमें नमक ऐड करेंगे, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी नमक ऐड कर सकते हैं। उसके बाद वाइट मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, ब्लैक मिर्च ऐड करेंगे स्पून भर के, उसके बाद रेड मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब, 1/2 टीस्पून हम हल्दी ऐड करेंगे। इन सारी चीज़ों को ऐड करके हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाएंगे इसको। उसके बाद हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे, होममेड गरम मसाले की रेसिपी मैंने बनाई हुई है, ये देखें जी, अगर देखनी है तो मेरी चैनल पे इसकी वीडियो बनी हुई है। 1 टीस्पून भर के वो ऐड करेंगे, हाँ जी, इसको हमने 3-4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस और सिंपल तरीके से, मसाला जात के बगैर, बाजार वाला इसमें मसाला कोई ऐड नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से, लेकिन बहुत ही मज़े के आपके यखनी वेजिटेबल पुलाव बनेगा। बहुत ही डिलीशियस है, बहुत ही यूनिक है इसकी रेसिपी, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। और जब तक ये फ्राई हो रहा है थोड़ा सा, आपने जाना है मेरे चैनल पे और उसको सब्सक्राइब कर देना है, साथ लगे के बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे जो हमने बनाई हुई है। 2 गिलास चावल थे, मतलब 1/2 kg, चौथा ग्लास पानी का जो है ना वो थोड़ा सा कम डाला है, ताकि चावल बैठे नहीं।
हाँ जी, अगर आप चावल जो है ना ज्यादा खड़े खड़े रखना चाहते हैं तो आपने थोड़ा सा पानी कम ऐड करना है। अगर आप थोड़े घुले मिले से चावल खाना चाहते हैं उसका ज्यादा मजा आता है वैसे मेरे मुताबिक, लेकिन लोग ज्यादा कहते हैं कि खड़े खड़े होने चाहिए, लेकिन हमारी फैमिली में चावल सारे जो है ना जरा बैठे बैठे चावल होते हैं, ज्यादा ही नहीं कि वेट करते हैं। ये देखें जी, पानी को बॉयल आ चुका है, हमने चावलों को 20 मिनट के लिए पहले भिगो के रखा हुआ था, अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखें जी, हमने थोड़ी देर के लिए पकाना है जब तक ये ड्राई ना इसमें पानी हो जाए, फिर हमने इसको दम दे देना। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है रोज, लेकिन खैर पूरी डिटेल से सिंपल तरीके से हर चीज़ एक एक बताती हूँ, आप लोगों ने सारी फॉलो करनी है, स्किप नहीं करनी। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो और रिजल्ट बहुत अच्छा है इस जो है ना यखनी वेजिटेबल पुलाव का। क्या आपने नमक चेक कर लेना है कम है तो आपने ऐड कर लेना है जब चावल अपने अंदर पानी एब्जॉर्ब कर ले, पहले नमक चेक करने का कोई फायदा नहीं है। ये देखें जी, अब हमने इसको दम दे देना है, दिया 20 से 25 मिनट के लिए दम दिया, फिर आपसे मिलते हैं फाइनल लुक। माशाल्लाह से मजेदार, डिलीशियस, मजेदार है। खनसा कह रही है यार हम लोगों की लाइट बहुत तंग कर रही है। देखिए जी, यखनी पुलाव आपके सामने, वेजिटेबल यखनी पुलाव आपके सामने रेडी है, बहुत ही मजेदार डिलीशियस है, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट होता है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है, नया नया ट्राई किया करें। चलिए जी, मुझे दें इजाजत, नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज, दुआ में लाजमी।